हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है आती हुई योजना से, ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे, और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाए। आज जो है 1200 1500 मिल रहा है, अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना OPS को हम लोग लागू करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगला पॉइंट ये भी बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में स्पेशल पैकेज अलग से हम लोग देंगे। तो मोदी जी वाला नहीं कि बंगाल से यूपी तक गैस लाइन पाइपलाइन जा रहा जो बिहार का भाग है उसका पार्ट जोड़ दिए अब बोल दिए कि पैकेज में आ गया, नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान है आती हुई योजना से, ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे, और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे CRPF, ITBP, SSB, CISF इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में
उनको शहीद का दर्जा देंगे और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन्होंने लाया है इसको समाप्त करेंगे और जैसे बहाली निकलती थी वैसे ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे, पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।